अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रदेश में एमएलसी चुनाव का मतदान जारी, बीजेपी और सपा में आमने सामने की टक्कर, 11 सीटों के लिए हो रहा है आज मतदान, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में दल। इस बार के चुनावी मैदान में है कुल 199 उम्मीदवार, सबसे ज्यादा उम्मीदवार मेरठ स्नातक क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र से 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान सुबह से चल रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही दलों की तरफ से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर फाइनल रिजल्ट में किसकी बल्ले बल्ले होगी। वहीं सियासी दलों की तरफ से दावों का दौर लगातार जारी है। सपा का कहना है कि वो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार वो सपा को पटखनी देकर ही दम लेगी। लेकिन इस बीच अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सकुशल और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और निर्वाचन आयोग भी निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिक्षक संघों के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि इस चुनाव से बहुजन समाज पार्टी ने किनारा कर लिया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार मेरठ स्नातक क्षेत्र से हैं, जबकि सबसे कम 11 उम्मीदवार लखनऊ शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा आगरा स्नातक खंड क्षेत्र में 22, इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड क्षेत्र में 16, लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र में 24, वाराणसी खंड स्नातक क्षेत्र में 22, आगरा खंड शिक्षक क्षेत्र में 16, बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र में 15, गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र में 16, मेरठ खंड शिक्षक क्षेत्र में 15 और वाराणसी खंड शिक्षक क्षेत्र में 12 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। आपको बता दें कि लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र से कांति सिंह, वाराणसी खंड स्नातक क्षेत्र से केदारनाथ सिंह, आगरा खंड स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर असीम यादव, मेरठ खंड स्नातक क्षेत्र से हेम सिंह पुंडीर, इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा और लखनऊ खंड शिक्षक से उमेश द्विवेदी, वाराणसी खंड शिक्षक से चेत नारायण सिंह, आगरा खंड शिक्षक से जगवीर किशोर जैन, मेरठ खंड शिक्षक से ओम प्रकाश शर्मा, बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड से संजय कुमार मिश्रा और गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र से निर्वाचित विधायक परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल 6 मई 2020 को ही पूरा हो चुका है, जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से ये चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो सका। लेकिन अब इन्हीं सीटों के लिए 1 दिसंबर यानी आज मतदान हो रहा है और मतदान के बीच लगातार खबरें ये आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे तो कौन सा दल बड़ा दल बनकर उभरेगा और किसे झटका लगेगा। फिलहाल मतदान जारी है और हर किसी की नजर मतदान पर है कि मतदान में किसकी बल्ले बल्ले दिखाई देती है, जिसके आंकड़े शाम 5 बजे मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।